मॉर्निंग प्लस में क्लास अवर टू टॉपिक इज़ गैस लॉज बहुत सारे साइंटिस्ट ने गैशियस फेज के ऊपर बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी बहुत सारे लॉज दिए और जो फर्स्ट लॉ है दैट इज गिवन दैट इज़ नॉन एज बॉयज़ लॉ एंड इट वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल्स ठीक है उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया बॉयज लॉ ये लॉ क्या कहता है ये लॉ कहता है वेन वी आर टेकिंग एनी गैस एंड इफ वी आर कीपिंग इट्स टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ठीक है अगर हम उसका टेम्परेचर क्या रख रहे हैं कॉन्स्टेंट रख रहे हैं ठीक है और किसी भी कोई भी गैस हम ले रहे हैं मान लेते हैं मेरे पास कोई गैस ए है ठीक है इस कंटेनर में और हम क्या करें अगर इस गैस का अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं अगर हम क्या करते हैं गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं ठीक है तो कहता है डेफ़िनेटली अगर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो पार्टिकल्स नज़दीक आएंगे गैस के ठीक है अब वो कंप्रेस हो जाएगा और कहता है कि उसका जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज़ कर जाता है इफ़ इंक्रीज़ द प्रेशर ऑफ़ एनी गैस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम विल डिक्रीज़ यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में इनवर्सली रिलेशन होता है ठीक है तो बॉयज लो क्या बन जाएगा द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका बनता है वी इज़ इनवर्स टू वन अप ऑन पी एंड एज वी नो इफ यू हैव टू रिमूव द प्रपोर्शनैलिटी साइन वी यूज अ कॉन्स्टेंट और यहाँ पर मैंने स्मॉल के लिया है इट इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी ठीक है अगर मैं यहाँ पे इकट्ठा यहाँ पे पी ले जाऊँ इट विकम पी वी इज इक्वल टू के और के है के एक्शुअन इट इज अ कॉन्स्टेंट तो हमारे पास क्या बनी स्टेटमेंट पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ठीक है हमारे पास क्या बन गया इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ठीक है फिर कहता है अगर हमारे पास दो कंडीशंस हैं दो सिचुएशंस हैं क्या सिचुएशंस क्या है ठीक है सर मैंने कहा कि हमने ये कोई भी गैस ली है ऑफ पर्टिकुलर वॉल्यूम एंड हैविंग ए पर्टिकुलर प्रेशर तो मान लेते हैं अब हमने क्या किया अब हमने प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया तो पहला प्रेशर हमने मान लिया पी वन ठीक है और उस टाइम पे उसका वॉल्यूम कितना मान लेते हैं V1 फिर हमने क्या किया इस गैस का प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ किया तो मान लेते हैं प्रेशर बिकम्स इक्वल टू P2 ठीक है तो उस टाइम पे जो वॉल्यूम कंप्रेस्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू V2 तो ये जो P1 है इट इज़ अ प्रेशर एट वॉल्यूम V1 एंड P2 जो है इट इज़ अ प्रेशर एट वॉल्यूम V2 दो ये हमारे पास दो अलग अलग कंडीशन आ गई हैं ठीक है और ये भी कांस्टेंट स पर ही रहेंगी ठीक तो है तो मान लेते हैं एट फर्स्ट कंडीशन मतलब प्रेशर इज पी वन तो हमारे पास ये जो इक्वेशन क्या बन जाएगी इन प्लेस ऑफ पी वी कैन राइट ऑन पी वन इन टू वी वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्लियर एंड इट सेकेंड कंडीशन अगर जब हमारा हमारे पास प्रेशर पी टू है तो वॉल्यूम कितना हो गया v2 तो यहाँ पे जहां पे pv लिखा है वहाँ पे p2 v2 लिखेंगे तो दैट बिकम्स अगेन इक्वल टू कांस्टेंट द बोथ आर इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि द बोथ इक्वेशंस आर इक्वल टू ईच अदर यानी कि p1 v1 जो है इट इज इक्वल टू p2 v2 अच्छा हम इस आगे जो जितने भी गैसीयस लॉज पढ़ने वाले हैं उन सभी में एक तो आप लोगों को रीजनिंग क्वेश्चंस तो आते ही हैं वो हम बताएंगे कैसे-कैसे करेंगे लेकिन इसमें से ना न्यूमेरिकल पोर्शन आता है यहां से गैसेस लॉज जितने भी हम पढ़ेंगे उनमें से आप, आपको एक न्यूमेरिकल जो है वो जरूर आता है ठीक है तो आपने जितने भी लॉज पढ़ने हैं उनकी एंड की जो इक्वेशन होगी कि उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो आप लोगों ने उस पर फोकस करना है ठीक है तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या आई पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू ठीक है अब कहता है कि ग्राफिकली वी कैन हाउ कैन वी कैन रिप्रेजेंट द बॉल्स लॉ ग्राफिकली अब देखो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का कैसे रिलेशन है इनवर्सली रिलेशन है ना तो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का जो कर्व हमारे कैसे आएगा वो इनवर्सली आएगा देखो डेफिनेटली जब हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ uh, करेगा प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं मान लेते प्रेशर जब इतना था ठीक है वॉल्यूम इतना था अब प्रेशर हम क्या कर रहे हैं इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहे हैं वॉल्यूम नीचे जाएगा तो ठीक है तो ये इस तरह से हमारे पास इनवर्स हमारे पास कर्व बनेगा ठीक है फिर कहता है कि ये हमारे पास जो कब आया ये हमारे पास आएगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एनी टेम्परेचर टी ठीक है फिर कहता है क्यों ना हम ये एक्सपेरिमेंट ना तीन अलग अलग टेम्परेचर्स पे करें ठीक है एक बार टेम्परेचर टी वन ले लिया और एक्सपेरिमेंट पूरा उस टेम्परेचर पे किया बाय कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया प्रेशर और वॉल्यूम का ही रिलेशन में बाई कीपिंग द टेम्परेचर टी टू कांस्टेंट और इस तरह से तीन अलग अलग टेम्परेचर्स पर जब हम वर्क करते हैं तो हमारे पास किस तरह से ग्राफ रिप्रेजेंट हो सकता है देखो यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है ठीक है यहाँ पे दोबारा से बना रही हूँ मैं अब क्या हुआ फिर से हमने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व बनाना है एज़ वी नो दे बोथ आर हा रिलेटेड टू ईच अदर अब हमने मान लेते हैं एक बार मैंने ये जो है एक्सपेरिमेंट किया टू हंड्रेड कैलवीन पे ठीक है फिर मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया 500 हंड्रेड कैलविन ठीक है फिर मैंने थर्ड टाइम जो किया वो किया 600 हंड्रेड कैलविन ठीक है तो तीनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को मैंने एक ही ग्राफ के फॉर्म में लिखना अगर तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं पहले वाले केस में मैंने 200 हंड्रेड कैलविन में किया तो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट टू हंड्रेड के कॉन्स्टेंट रहने तक ही हुआ ठीक है और सेकंड एक्सपेरिमेंट 500 हंड्रेड पे किया थर्ड एक्सपेरिमेंट 300 सिक्स हंड्रेड कैलवन पर किया तीनों ही केसेस में प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा ठीक है तो तीन कव्ज आ जाएंगे हमारे पास ठीक है इस तरह से एक टेम्परेचर पे ये सेकेंड वाले में ये और थर्ड वाले में ये अब इसमें तीनों में कर्व तो डाउनवर्ड ही गई हैं बिकॉज प्रेशर और वॉल्यूम कलिशन आपस में इनवर्सली ही है लेकिन हमारे पास क्वेश्चन अब ये है कि ये वाली कर्व कौन से टेम्परेचर पे आएगी टू हंड्रेड पर आएगी कि सिक्स हंड्रेड पर आएगी ठीक है ये वाली कॉप कौन से टेम्परेचर पे आएगी तो बच्चे सीधी सी बात है यहाँ पे टेम्परेचर के साथ प्रेशर का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है वैसे वॉल्यूम का भी है लेकिन टेम्परेचर के साथ प्रेशर का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गैसेज के केस में क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है वैसे ही गैसेज बहुत एनर्जेटिक होती हैं उनकी मोशन बहुत ही रैंडमली होती हैं वो आप वो क्या करती हैं गैसेज मूव करते रहते हैं और वो स्ट्राइक करते रहते हैं कंटेनर से तो प्रेशर को इंक्रीज करते रहते हैं ठीक है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी जो रैंडमनेस है उनकी कनेक्टिक एनर्जी इंक्रीज करेगी ठीक है अब देखो कोई भी गैस का हमें टेम्परेचर बढ़ाया पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे इट विल बाई इंक्रीजिंग इस टेम्परेचर इट विल इंक्रीज इट्स कनेक्टिक एनर्जी दैट्स वाई दे विल स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मोर क्विकली एंड मोर फास्टली जिस वजह से उनका प्रेशर भी इंक्रीज करेगा ठीक है यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा तो ये तीनों कव में देखो टेम्परेचर बढ़ने किस कव में प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हुआ है वो हुआ है थर्ड वाले में ठीक है तो यानी कि ये जो कव है इट इज़ एट टेम्परेचर 600, 600 हंड्रेड जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा और सबसे लास्ट वाला होगा 200 हंड्रेड पे और बीच ये वाला होगा 500 हंड्रेड तो तीन अलग-अलग में हमारे पास तीन ही कर्व बनेंगी डाउनवर्ड में ही बनेंगी बस जो सबसे ऊपर वाली कर्व है वो होगी हाइएस्ट टेम्परेचर पे बिकॉज प्रेशर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर क्लियर और गैसेस के केस में ये बहुत ही इफेक्टिवली आपस में क्या है डायरेक्टली रिलेट करते हैं ठीक है यही ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है अगर ना प्रेशर के साथ वॉल्यूम का हमने बनाया रिलेशन तो वो इनवर्सली है लेकिन प्रेशर के साथ वन अप ऑन पी करूँ तो डेफिनेटली वो कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन ही तो आएगी बिकॉज अगर वॉल्यूम प्रेशर के साथ इन्वर्सली तो वन अप ऑन पी से कैसा होगा डायरेक्टली हो जाएगा ठीक है फिर देखो बच्चे यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है पी वीज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा वो कॉन्स्टेंट आएगा अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि वी हैव टू कीप इट्स प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ठीक है तो हमने क्या किया अगर हम कर्व बना रहे हैं अब हम अब फिर से हमने ग्राफ बनाया अब हमने फिर से एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं ठीक है और इस बार मैंने ग्राफ बनाया है प्रेशर और पी का बच्चे पी क्या है इट्स कॉन्स्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर तो ये ऐसे बनेगा स्ट्रेट लाइन जितना भी प्रेशर इंक्रीज कर लो PV जो है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि अगर प्रेशर चेंज हो गया मान लो अगर प्रेशर बढ़ा भी तो उतना ही वॉल्यूम कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा तो ये स्टेट लाइन आएगी ठीक है अब फिर से अगर हम दो अलग अलग टेम्परेचर पर बनाएं तो T1 और T2 पे बनाएं बनाए तो मान लेते हैं T1 वन इज़ लेस एज कम्पेयर टू टी ठीक है तो टेम्परेचर T2 ज़्यादा है ठीक है तो मैंने यहाँ पे मान लेते हैं एक बार टेम्परेचर T1 पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट जो था उसके साथ इसका प्रेशर का ग्राफ बनाऊंगा तो फिर से स्टेट लाइन आएगी टेम्परेचर T2 में भी स्टेट लाइन आएगी ठीक है तो मेरे पास यहाँ पे दो स्टेट लाइन आएगी एक टेम्परेचर T1 पे है एक टेम्परेचर T2 पे है ठीक है अब फिर से वही क्वेश्चन है कि जो ऊपर वाली कर्व है ये कौन से टेम्परेचर है और हम ये मान तो के चल रहे हैं कि टेम्परेचर T2 टू इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू T1 T1 तो सिमिलरली जो ऊपर वाला लाइन है इट इज़ एट टेम्परेचर T2 और जो नीचे की लाइन है इट इज़ एट टेम्परेचर T1 क्यों क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन कैसा होगा ज़्यादा होगा इन डायरेक्टली होगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर वॉल्यूम जो है इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा क्यों इंक्रीज़ करेगा क्योंकि वॉल्यूम के साथ भी टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है आप सिंपल सी बात है जब आप गैसेस का uh, क्या करोगे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेंडमली मूव करेंगे यहाँ वहाँ जाएंगे पार्टिकल्स ऑफ वॉल्यूम ऑब्वियसली क्या करेगा इंक्रीज़ करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम भी बढ़ा तो डेफिनेटली इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा इंक्रीज करेगा लेकिन टेम्परेचर टी टू में जब कांस्टेंट है उस टाइम पर स्टेट लाइन आएगी लेकिन टी वन से जब टी टू गया ना टेम्परेचर उस टाइम पे इंक्रीज करेगा वैसे अगर टी थ्री ले लें हम तो पी वी कब की पी वी और ऊपर चल जाएगा लेकिन टी थ्री पूरे टी थ्री में इट विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट ठीक है तो ये अब हमारे पास इस तरह का क्या आ गया इसका ग्राफ आ गया ठीक है आज अब हमारे पास इसका प्रैक्टिकल भी यूज़ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने लिखा बट इज़ अ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयज लो बॉयज़ लो का प्रैक्टिकली क्या सिग्निफिकेंस है ठीक है तो आप लोगों को पता है जो माउंटेनियर्स होते हैं ठीक है ठीके? जो माउंटेनियर्स हैं ठीक है ठीके? जा रहे हैं ट्रैकिंग कर रहे हैं ठीक है ठीके? हिल आ, ऊपर जा रहे हैं ठीक है या फिर हिल स्टेशन में जाते हैं तो दे हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद दैम वाई क्योंकि हिली uh, एरियाज़ में या फिर माउंटेन्स वगैरह में जितना ऊपर हम जाते जाते हैं उतना प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाता है कम होता जाता है ठीक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड करेगा गैसेस का वॉल्यूम क्या करे एक्सपैंड करेगा जो ऑक्सीजन वहाँ पे होगी वो अगर एक्सपैंड करेगी वॉल्यूम कम वॉल्यूम सॉरी uh, बढ़ जाएगा ना उसका तो वॉल्यूम बढ़ जाने से उसकी डेंसिटी है उसका जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा ठीक है तो पर्टिकुलर एरिया में जो uh, हम बोलेंगे जो मैग्नीट्यूड है जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है इट इज़ लेस अवेलेबल फॉर ए एक पर्टिकुलर uh, जितनी हमें चाहिए होती है ब्रीदिंग के लिए वो पर्टिकुलर वो वहाँ पे प्रॉपर अवेलेबल नहीं होती है बिकॉज हिल स्टेशन में हाल हिली एरियाज में माउंटेंस uh, वगैरह में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज़ मोर एंड बिकॉज ऑफ सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लेस एंड बिकॉज ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ गैसेज इज़ मोर एट दैट्स वाई इट हैव लेस ऑक्सीजन अवेलेबल दैट्स वाई तो ये इसका प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस है बॉल्स स्लो का कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा क्लियर दिस इज ऑल अबाउट द बॉल्स स्लो